हेलो फ्रेंड्स, यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एक टर्म है साइड पॉकेटिंग और सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो, जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये स्क्रीन पे। तो ये क्या है? अभी डेट मार्केट में, डेट फंड्स में बहुत सारी नई चीज़ें हुई है इन लास्ट 6 to 12 months में पर्टिकुलरली। तो बहुत सारा मतलब डेट फंड का मार्केट भी बहुत बड़ा, मार्केट कैपिटल मतलब उनके एलोकेशंस कंपेयर टू अर्लियर ईयर्स बहुत ज़्यादा हो गए। तो इसके चक्कर में ना बहुत सारी नई डेवलपमेंट्स भी हो रही है अभी। तो इसमें अभी सेबी ने ये चीज़ को अलाउ किया है, उसे जिसे बोलते हैं साइड पॉकेटिंग और सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियोज। ये क्या है, तो इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि अगर किसी डेट फंड जब किसी कंपनीज के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं या NCDs में इन्वेस्ट करते हैं, डिफरेंट कमर्शियल पेपर्स में इन्वेस्ट करते हैं, अगर वो कंपनी के साथ कोई क्रेडिट इवेंट हो जाता है, तो क्रेडिट इवेंट क्या होता है? क्रेडिट इवेंट मतलब वो कंपनी का पेपर डाउनग्रेड हो जाता है या फिर वो डिफॉल्ट में कर देता है वो पेपर पर्टिकुलरली। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो सेबी ने अभी म्यूचुअल फंड्स को एक चीज एलोकेट की है कि आप ये जो भी पेपर होता है इसको साइड पॉकेट कर दो और आपके बचे हुए जो इन्वेस्टमेंट्स है उसके हिसाब से आपके फंड के ऑपरेशंस रेगुलरली चल सकते हैं। तो ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि बहुत बार क्या हो जाता था कि ऐसा कोई बड़ा इवेंट हो जाता था ना, तो फिर उसके चक्कर में वो फंड इनफ्लो आउटफ्लो बंद कर देता था सेबी उस वो सब चीजों में, ताकि बहुत ज्यादा इंपैक्ट ना आ जाए एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स पे। अदरवाइज क्या होता है, नए इन्वेस्टर्स आ जाते थे उस फंड में, या फिर अगर एक रिडेम्पशंस बहुत ज्यादा, रिडेम्पशन प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता था, तो फंड क्या बोलता था, भाई इसके रिडेम्पशन बंद कर दो, ताकि कोई ड्रास्टिक स्टेप ना ले इन्वेस्टर और हम कोशिश करेंगे कि वो फंड सारे वापस लिए जाए जिसके पास भी हमने वो पेपर्स इन्वेस्ट किए हुए। तो अभी सेबी ने क्या बोला कि आप ऐसा मत कीजिए, साइड पॉकेट कीजिए वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को और बचे हुए इन्वेस्टमेंट के साथ आप चलते रहो आपका जो भी ऑपरेशन चलने वाला है। तो एग्जांपल बताता हूं आपको, अगर किसी फंड का, डेट फंड का एनएवी है 50 रुपए, ठीक है, 50 रुपए, और ये 50 रुपए में अगर जो भी एलोकेशन है वो पेपर का, वो से सपोज 2.5 रुपए का एलोकेशन होता है, वो जो पेपर डिफॉल्ट होता है, तो सेबी ने अभी क्या बोल दिया कि आप ना अभी इसको अलग कर दो ये 2.5 रुपए को। तो इसका मतलब आप 47.5 रुपीज का एक फंड चलाओ, फंड ए ऐसा बोल सकते हो आप इसे, वही फंड का नाम जो रेगुलर आपका चल रहा है, और इसको ये 2.5 को सेग्रीगेट करके आप इसको A1 बना दो, और इसके भी उतने ही यूनिट्स वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को दे दो जितने यहाँ पे है उसके यूनिट्स, बट ये जो यूनिट्स होंगे वो 47.5 पे चलेंगे, और ये जो सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो या साइड पॉकेट किया हुआ पोर्टफोलियो होगा उसका 2.5 रुपीज का चलेगा, मतलब एनएवी चलेगा। इसका एडवांटेज क्या हो सकता है कि अगर साइड पॉकेट नहीं करेंगे, ठीक है, और साइड पॉकेट बिना किए आप पैनिक में उसे सेल कर दोगे पर्टिकुलरली, तो आप उस वक्त अपना अपना लॉस बुक करके निकल सकते हो। बट अगर यही साइड पॉकेट होगा तो एटलीस्ट अगर कभी आगे जाके उसकी रिकवरी, क्योंकि वैसे भी आपने अगर रिडीम कर लिया उसने, उन्होंने तो अगर पूरा राइट ऑफ किया हुआ है वो पेपर को, तो आपकी एनएवी वैसे भी 47.5 पे ही रहने वाली है, तो ये तो आप राइट ऑफ कर दो। अगर वो पेपर बाद में जाके या पर्टिकुलर कंपनी बाद में जाके रिवाइव हो जाती है और वो पैसे वापस कर देती है फंड्स को, तो डेफिनेटली वो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स उस टाइम के होंगे उनको उसका बेनिफिट मिल सकता है, बट जो एट द टाइम ऑफ डिफॉल्ट या डाउनग्रेड होंगे वो लोग, उनको तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, और उनका ऑब्जेक्टिव तो रिटर्न लेने का ही था वहां पे। तो इसीलिए सेबी ने ऐसे बोला है कि आप सेग्रीगेट कर दो, ये फंड ए है तो इसको A1 एग्जाम्पल बोल रहे हैं, ऐसा एग्जैक्टली यही नाम ऐसा नहीं होगा, तो ये उसको सेग्रीगेट करके पोर्टफोलियो बना दो, ताकि आगे जाके जब पैसा वापस आ जाता है तो आपको भी वो पैसे मिल सकते हैं। तो इसमें एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा जो चलते रहेंगे। हम ये नहीं बोल रहे कि सब सारे पैसे वापस ही आने वाले, बट अगर आप उस फंड में इन्वेस्टेड हो और आपके पास दूसरा कोई चॉइस भी नहीं है वैसे देखा जाए, तो आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये आपको एक एडवांटेज दे के जाएगा। बट बहुत लोग पैनिक में रिएक्शन दे देते हैं, और पर्टिकुलरली रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा रिएक्शंस दे देते हैं, वहाँ पे वो अपने लॉस बुक कर लेते हैं और निकल जाते हैं। तो ये चीज़ें ना हो, क्योंकि डेट फंड अभी इसकी नीड क्यों आई है, बिकॉज बहुत सारा जो इंडिया में डेट फंड्स में पैसा आया है ना वो फिक्स डिपॉजिट का पैसा आया है, तो इसके चक्कर में ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है।
हमने एनपीएस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक में देखे, अभी ये जो डाउनग्रेड्स हो रहे हैं या डिफॉल्ट्स हो रहे हैं ना फंड्स में, तो ये हो सकता है कि भले ही उतने स्केल पे ना चले जाए, बट ये ऑलमोस्ट 1-2% का एनपीए होना, आई थिंक हम ज़्यादा सरप्राइज होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर 100 लाख करोड़ रुपीज़ या 115 लाख करोड़ रुपीज़ का अगर अपना क्रेडिट मार्केट है, मतलब लोन का मार्केट है, बैंक्स जो लोन दे रहे हैं, वैसा ऑलमोस्ट 15 लाख करोड़ रुपए का अभी हमारा डेट फंड्स का मार्केट हो चुका है, तो वो और धीरे 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 बढ़ता जाएगा। डेवलप मार्केट्स में डेट फंड का मतलब कैपिटल मार्केट्स आर मच बिगर दैन द बैंक क्रेडिट मार्केट, सो इसका वहाँ पे तो 70% तक एलोकेशन डेट फंड से आता है लोन्स का, जो कि इंडिया में इज़ हार्डली 10-15% अभी भी, तो इसको बढ़ने का बहुत ज़्यादा स्कोप है। बट ये जब मार्केट बढ़ेगा तो डेफिनेटली इसके साथ ये रिस्क यहाँ पे होंगे, तो सेबी ने एक अच्छा चीज़ किया है यहाँ पे कि इन्होंने साइड पॉकेटिंग और सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियोज, ऐसा उसका नाम दिया है, सेबी ने इसे सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियोज बोला है, बट इसे साइड पॉकेटिंग भी कहा जा सकता है। इसको एकदम लिटरली निगेटिव मीनिंग मत लीजिए साइड पॉकेटिंग को, मतलब वो कहीं आपके पैसे लेके कहीं भाग रहे, आपके नाम पे ही यूनिट्स मिलेंगे आपको अलग फंड के नाम से, उसका एनएवी कम होगा, जो भी डिफॉल्ट्स या डाउनग्रेड होंगे वो पर्टिकुलर एलोकेशंस वहां पे चले जाएंगे, ताकि आपको ये सबके लिए, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है, जो नए इन्वेस्टर्स है, इनके लिए सारा फेयर प्रैक्टिस रहेगा। मेजरली जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है और जो वो फंड में रहना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस है। अर्लियर क्या हो रहा था कि, और बाद में अगर आप निकल भी जाओगे, चलो आपको लगता है कि भाई मेरा तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया ये इन्वेस्टमेंट से, फिर भी आपके ये यूनिट्स आपके पास हमेशा रहेंगे जब तक वो वापस नहीं कर देते। जब जैसे वो वापस कर देंगे, कंपनी अपने आप वो फंड बंद कर देगी, क्योंकि उसका कोई इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होने वाला है ये इन्वेस्टमेंट में। इट इज़ टिपिकली सिंपल कि भाई ये उस वक्त डिफॉल्ट हुआ था या डाउनग्रेड हुआ था, उसका आपको कॉम्पनसेशन के लिए ये यूनिट्स दिए। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आपके फ्रेंड्स के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिए, और पर्टिकुलरली उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनके डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स किए उन्होंने, और लास्ट वन ईयर के जो रिटर्न्स देखे उन्होंने डेट फंड्स में, वो उनको इतने अच्छे नहीं आए। पर्टिकुलरली जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो काफ़ी डिसहार्टनिंग होगा वो, कि ऐसी चीज़ें हो रही है डेट फंड्स में, इतने 1-3% के रिटर्न्स आ रहे हैं 1-1 साल में, तो ये ज़्यादा ऐसा रिपीट नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हुई है लास्ट वन ईयर में, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर चले गए, कुछ कुछ डाउनग्रेड्स हुए हैं, डिफॉल्ट्स हुए हैं, उसके चक्कर में सेंटिमेंट थोड़ा सा निगेटिव हो गया था, बट होपफुली ओवर द कमिंग मंथ्स और ईयर्स थिंग्स विल स्टेबलाइज। सो इसीलिए आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए इस वीडियो को। दूसरा और एक अनाउंसमेंट है, नीचे आपको ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे आपको हमारा एक्सक्लूसिव रिसर्च मिलेगा स्टॉक्स पे और म्यूचुअल फंड्स पे। करंटली हम वो कर रहे हैं, और धीरे धीरे इनकम टैक्स प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग की केस स्टडीज भी हम वहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आपने अभी तक हमारा मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी ज्वाइन कर सकते हो आप। नीचे ज्वाइन का बटन है, वहाँ पे वो बटन क्लिक करके आप वो ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।